हिंदपाक के दरमियान जो सीज फायर हुआ तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए ताकि कश्मीर में हालात ठीक हो जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोगों को उठा रहे हैं और एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। जिस तरह चीन के साथ बातचीत हुई, जिस तरह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे सीज फायर करने के लिए बातचीत हुई, इसी तरह मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर यहाँ के जो जवान हैं, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि ये जो खून खराब है, ये जो रोज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं, जाबाक होते हैं, ये खून खराबा रोका जाए। यहाँ के नौजवानों को आपने मैसेज दिया अपने स्पीच में, क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये है कि बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें जो मुल्क के जो हमारे किसान हैं उनसे सबक लेना चाहिए। ना उनके हाथ में बंदूक है, ना हाथ में पत्थर है, मगर पूरी दुनिया आज उनकी वकालत करती है और मरकजी सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि उनके साथ बातचीत हो, उनका मसला हल हो। इसी तरह मैं समझती हूँ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक पुरमंद तरीके से कोशिश करनी चाहिए, पुरमंद तरीके से एक स्ट्रगल करना चाहिए, न सिर्फ जो हमारा खोया है, खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए, बल्कि मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे हज़ारों लोग, हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं जमा हुए हैं, चाहे वो मिलिटेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा पुलिस का आदमी है, चाहे आम शहरी है, ताकि उनका जो खून है वो रायगा ना हो। डिनर स्टेशन के पर कॉन्फ्रेंस पर एनसी का बायकॉट रहा, तो पीडीपी का क्या कहना है उसको? नहीं, हमारा उसके साथ खड़ी था।